सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट। हजरत मोहतरम, बताना चाहूंगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग में अब भारत जितने मजे ले रहा था उतने ही नुकसान भी उठा सकता है। वेस्ट के देश भारत और रूस की दोस्ती से काफ़ी नाराज हो गए हैं, जिसकी वजह से अब खबर मिडिल ईस्ट और तमाम यूरोप के इलाकों में उड़ चुकी है कि यूरोप के देश यानी वेस्ट के देश भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि रूस को पूरी दुनिया से जो साजो सामान नहीं मिल रहा है, भारत वो सेंसिटिव चीज़ें तमाम रशिया को प्रोवाइड कर रहा है, रशिया से बहुत करीब हो गया है। वेस्ट के देशों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। वहीं रशिया के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने वॉर क्राइम किया है। खबर यह है कि यूक्रेन के जिन सैनिकों ने रूस के आगे घुटने टेके थे और हथियार डाल दिए थे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हथियार डालने वाले सरेंडर करने वाले लोगों पर आप गोलीबारी नहीं कर सकते, लेकिन रशिया ने सरेंडर किए हुए यूक्रेन के सैनिकों को भी कत्ल कर दिया। उधर आपको बता दूं कि ईरान के बारे में अमेरिका ने खुलासा किया है कि ईरान ने शॉर्ट रेंज की मिसाइलों की पहली शिपमेंट रशिया को भेज दी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने पार्टनर्स और यूरोप के देशों से एयर डिफेंस सिस्टम फिर से मांग लिए हैं। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन की मदद के लिए $250 मिलियन का ऐलान कर दिया है। उधर कैनेडा ने तो हद ही कर दी है, कनाडा ने 80,000 रॉकेट यूक्रेन को दान कर दिए हैं। उधर स्पेन ने भी हद पार कर दी, हॉक एयर डिफेंस सिस्टम, खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पेन यूक्रेन को देने का ऐलान कर रहा है। हकीकत यह है दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से देखें तो पूरा नेटो और यूरोप एक तरफ और रशिया अकेला एक तरफ। उधर बर्तानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि हम 650 मिसाइलें यूक्रेन को देंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी 40 मिलियन यूरोज यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, एक तरफ रशिया अकेला जिसका मददगार कोई नहीं और एक तरफ यूक्रेन जिसके साथ सारी दुनिया खड़ी है। लेकिन आपको बता दूं कि रशिया की हालत इस वक्त पतली है और रूस पर यूक्रेन भारी पड़ रहा है। उधर जर्मनी ने भी कह दिया है कि हम 77 लेपर्ड टैंक, एडवांस टैंक यूक्रेन को देंगे, जिससे यूक्रेन की ताकत हजरात बढ़ने वाली है। उधर फ्रांस ने भी यूक्रेन की मदद ऐसी की है जैसी शायद ही कोई करे। ये तमाम देश यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि $1.5 बिलियन जो हमने रूस के ज़मीनों और रूस की प्रॉपर्टी को बेचकर हासिल किए हैं, वो पैसा जो रशिया का है उसको जब्त हमने किया है, वो हम यूक्रेन को देंगे। हजरात, उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करके कहा कि हमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल दी जाए और हमें रशिया के अंदर तक हमला करने की परमिशन दी जाए, जिस पर अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन यानी आप अगर रशिया के अंदर तक हमला करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा आपका होने वाला नहीं है, जंग कभी यू टर्न लेने वाली नहीं है और हालात सुधरने वाले नहीं हैं। उधर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीर, अचानक से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जर्मनी में नेटो के बेस पर पहुंच गए थे। अब आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ है। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन के खतरनाक हमलों में यह हाल रूस का देखिए, रशिया के रेलवे डिपोट में खतरनाक हमले के बाद खतरनाक आग। उधर एक रूस का कार्गो शिप 20,000 टन विस्फोटक एक्सप्लोजिव लेकर इस वक्त नेटो के सदस्य देश नॉर्वे के पोर्ट के करीब पहुंचा हुआ है, जिससे नेटो के देश इस वक्त घबराए हुए हैं। रूस के दोस्त बेलारूस ने अपने देश से एक जापानीज नागरिक को गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह है कि बेलारूस में रहकर वो जापानीज व्यक्ति रूस की जासूसी कर रहा था। वहीं रशियन सैनिक खुद दिखा रहे हैं कि यूक्रेन के आग उगलने वाले ड्रोन ने हाल क्या किया है। खौफनाक मंजर है, देखिए। Вот такая хуйня. Здесь вот, вот оружие. Вон каски валяются. Вот тачка. Нива одна. Вот. Мотоцикл. Прицеп. Что-то военные несут. Не сгорело вот. Вон тележка какая-то. Не сгорело, вот так надо осыпать. Чтобы нихуя у нас не горело. На будущее будем все иметь в виду.
वहीं यूक्रेन ने रूस के 27 आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बड़े आंकड़े बताए हैं। उन्होंने कहा कि रूस इस जंग में 6,22,000 से ज्यादा अपने सैनिक खो चुका है। वहीं IAEA के परमाणु चीफ जो हैं, परमाणु प्लांट पर नजर रखने वाले चीफ, तस्वीर आपके सामने, रूस पहुंचे हैं और रूस के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, यूक्रेन की इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन अपने ही देश में खतरनाक लॉन्ग रेंज की मिसाइल इस जंग के माहौल में खुद बनाकर अपने फाइटर जेट में तैनात करके लॉन्च करके टेस्ट कर रहा है। यूक्रेन सच में इस वक्त बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहा है। जंग के दौरान अपने ही मुल्क में मिसाइल बना लेना अपने में ही एक बड़ी बात है। मेरे दोस्तों, एक्सपर्ट ने यूरोप को वार्निंग दी है कि पूरे यूरोप को सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से रशिया के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दे रहा है। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरे यूरोप को उसकी सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है रशिया से। उधर यूक्रेन के एक और टेरिटरी ज़ोरोवका के इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं तस्वीर देखिए, यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स के शहर में घुसी हुई है। तो रूस के कुर्स के इलाके में जो रशियन स्कूल है, रूस के विद्यार्थी जो स्कूल के छात्र हैं, अपने स्कूल को बचाने के लिए खिड़की और दीवारों पर बैग, जी हाँ, बैग के अंदर जो है पत्थर ईंट डालकर अपने स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रशिया को आप देख सकते हैं, अलग से नहीं दिखा सकता माजरत के साथ, रशिया बैरेंट सागर में, बैरेंट सी में अपनी समुद्री सेना से ड्रिल करवा रहा है। व्लादिमीर पुतिन के इरादे अभी भी सख्त हैं। उधर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है जंग रोकने के लिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिले और मिलकर बात करें। उधर यूक्रेन ने कहा है कि रशिया एक बार फिर से यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। रूस के कुर्स के इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर तो लिया है, लेकिन रशिया का कहना है कि इस इलाके पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक खो चुका है। यूक्रेन के दनिप्रोपेत्रोवस्क के इलाके पर रशिया ने खतरनाक हमले किए हैं। देखिए, F-16 फाइटर जेट काफी महंगा है, यूक्रेन को दिया और पहला ही फाइटर जेट यूक्रेन में क्रैश हो गया। अब वेस्ट के देश शक में पड़ गए कि हमने यूक्रेन के जो पायलट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग दी थी F-16 उड़ाने की, शायद वो ट्रेनिंग सही नहीं हुई है, हमें दोबारा यूक्रेन के पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देनी होगी। हजरात, यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। हज़रात मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी दुकान, अपने प्रोडक्ट, अपने काम का प्रमोशन हमारी वीडियो में करें तो आप कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, पूरी वीडियो में आपने जहां जहां ऐड आपकी चल सकती है, चाहे साइड बार चाहे लोअर एरिया, वहां पर आप ऐड चला सकते हैं। लेकिन माजरत के साथ भैया, फ्री सर्विस नहीं है। यहाँ पर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करने के लिए, ये देखिए नीचे पट्टी पर इंक्वायर नाउ के नीचे आप देख सकते हैं razagrafi@gmail.com पर इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।